बहुत दिनों से व्हाइट पेपर पे ड्रॉ करते करते मैं बोर हो चुका था इसलिए फाइनली मैंने परचेस कर लिया प्रेस्टो का ग्रे टोन्ड पेपर स्केचबुक। 399 के प्राइस रेंज पर मुझे यहाँ पर मिल जाता है 60 पेपर का एक सेट, जहाँ पर एक एक पेपर का GSM है 120 GSM। सो चलो लेट्स ओपन इट एंड देन सर्च द ड्रॉइंग, मतलब रेफरेंस फोटो ढूंढते हैं। सो पेपर का क्वालिटी तो एकदम मस्त है, पर थोड़ा और मोटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कोई नहीं, जो मिला उससे ही संतुष्ट रहा जाए। और चलो जो रेफरेंस फ़ोटो है वो अब ढूंढते हैं। इंस्टाग्राम, गूगल, सब जगह पर ही तो रेफरेंस फ़ोटो मिलता है, पर मेरा फेवरेट प्लेस है पिंटरेस्ट। तो पिंटरेस्ट में मैंने थोड़ा ढूंढा और ढूंढने के बाद ऐश्वर्या राय का मुझे ये वाला फ़ोटो मिला। क्योंकि इस साल देवदास मूवी का 20 इयर्स कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो ऐश्वर्या राय बच्चन का ये वाला पोर्ट्रेट ही ड्रॉ करते हैं। सो सिंपली इसे मैंने डाउनलोड कर लिया और अब बारी है स्केचिंग का। स्केचिंग के लिए कोई इस्तेमाल करता है ग्रिड मेथड, कोई इस्तेमाल करता है मेजरिंग टेक्निक, और कोई तो ट्रेस भी कर लेता है, पर मेरा फेवरेट है लूमिस मेथड, मतलब फ्री हैंड ड्रॉइंग टेक्निक। सो चलो लेट स्टार्ट स्केचिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेफरेंस फ़ोटो को थोड़ा ऐसे मेजरिंग टेक्निक करके जो उसका सटीक माप है वो पेपर के ऊपर कर लिया है। अब जो बेसिक लूमिस मेथड का फंडा है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। पूरा फेस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हमें जो ड्राइंग है वो करना पड़ता है लूमिस मेथड में। लूमिस मेथड का डिटेल वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है आर्ट मास्टरी सीरीज़ में, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से लूमिस मेथड अच्छे से सीख लेना। स्केचिंग का एक हैक बता दूँ आप लोगों को, आप लोग जो रेफरेंस फोटो है उसे पिक्स आर्ट में लो और इफेक्ट्स में जाके ऐसे स्केच इफेक्ट में डाल दो, तो इससे देखकर स्केच करने में आसानी होता है। तो क्योंकि मैं ऐसे कलर पेंसिल से करने वाला हूँ तो स्केचिंग बहुत ही हल्के हाथों से करना होगा। तो ड्राइंग कंप्लीट है, अब कलरिंग की बारी। मैं यहाँ पर जिस कलरिंग टेक्निक से कलर करने वाला वो मैंने एक चाइनीज़ आर्टिस्ट से सीखा है, तो ये बहुत ही एक प्रोफेशनल क्वालिटी और क्लासिकल टेक्निक है। तो इसमें सबसे पहले जो पोर्ट्रेट है उसमें हम लोगों को बेस कलर देना पड़ता है। तो बेस कलर यहाँ पर है लाइट ब्राउन या फिर नॉर्मल ब्राउन, कोई भी हो सकता है। तो ब्राउन कलर से पूरा जो पोर्ट्रेट है उसमें जो डार्कर पोर्शंस है उसे एक फर्स्ट कोट दे देना है। सो डार्कर पोर्शन ब्राउन से कंप्लीट है, अब लाइटर पोर्शन। लाइटर पोर्शन के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो व्हाइट पेंसिल से जो लाइटर एरियाज है उसमें शेड्स देना है। तो ऐसे जो बेस टोन हो जाएगा, जो हाइलाइटेड एरिया है और जो डार्कर एरिया है वो हो जाएगा। अब इसका मिडिल टोन एक देना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डार्कर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करूँगा। सो डार्क ब्राउन से यहाँ पर एक और डार्क टोन देना है ब्राउन के ऊपर। इससे देखो तीन टोन कंप्लीट हो जाएगा, डार्क टोन, मिडिल टोन और हाइलाइटेड टोन। नाउ स्टेप 3, ये बहुत ही यूनिक है, मैंने ये भी उसी आर्टिस्ट से सीखा है। तो यहाँ पर स्किन का जो एक यूनिक टोन होता है उसे आप अगर बहुत ही अच्छे तरीके से लाना चाहते हो तो स्किन में एक बेस टोन देना ज़रूरी है, और वो बेस टोन का कलर है ग्रीन। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ग्रीन। ग्रीन से अगर स्किन में एक बेस टोन दे देते हो तो एक्चुअल स्किन टोन बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन का एक टोन दे दिया है, और ग्रीन के टोन के बाद आप नॉर्मल जैसे फेस में कलर करते हो वैसे ही कलर करना है। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को डार्कर एरिया से पहले शेड्स देना है और धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ जाना है। यहाँ पर जो रेफरेंस फोटो है और मेरा कंप्लीट हुआ ड्राइंग का डाउनलोडेबल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और ख़ुद भी ट्राई करना। क्योंकि ये वाला पोर्ट्रेट बहुत ही यूनिक है और क्लासिकल है, मतलब नॉर्मल पोर्ट्रेट्स की तरह नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ड्रॉ करें।
उसके साथ साथ अगर आप लोग ये वाला पेपर बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, सिंपली वहाँ पर जाओ, क्लिक करके परचेस कर सकते हो। सो यहाँ पर स्किन में आप लोग देख सकते हो कि जितना आप लोग लेयर्स में ब्लेंड करोगे तो उतना ही स्किन का क्वालिटी थोड़ा ऐसा स्मूद आएगा। कोई अलग से कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है ब्लेंड करने को, आप लोगों को सिंपली डार्कर पोर्शन से धीरे धीरे लाइटर एरिया की तरफ जाना है और उसे ब्लेंड करते रहना है। और यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर देने से देखो स्किन का एक अलग ही टोन आया है जो नॉर्मल पेंसिल से आप लोग नहीं ला सकते, पहले एक लेयर दे देना पड़ता है। इसीलिए इस टेक्निक में मैंने और भी बहुत सारे कलरिंग किया है पोर्ट्रेट्स का, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मेरे पिछले वीडियो में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया था वो भी इसी टेक्निक में है। और अगर आप लोग इस बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दिया हुआ है, या फिर सिंपली आप लोग सर्च करो artistic.dipankar। सो वहाँ पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, मैं ऑनलाइन रहता ही हूँ तो आप लोगों से ज़रूर बातें होगा। सो ऐसे ही देखो धीरे धीरे पूरा पोर्ट्रेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो बाहरी तरफ का एरिया है पूरा पोर्ट्रेट का, उसमें भी मैं थोड़ा एक अलग सा टेक्सचर रखा है, ऐसे फेड आउट टेक्सचर धीरे धीरे फेड होकर पेज के साथ मिक्स हो गया है, तो इससे जो पूरा ड्राइंग है एकदम आर्टिस्टिक दिख रहा है, ऐसे फोटो की तरह नहीं दिख रहा है, आर्टिस्टिक है। सो आई होप यू लाइक द ड्राइंग, इफ यू डू देन प्लीज लाइक द वीडियो और नीचे कॉमेंट करके बताओ ऐसे और कैसे ड्राइंग्स आप लोगों को देखना है। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। प्लीज़।